Dear student, now I start limit. Before I completed the determinant and also going on matrix, and now I start limit also, because I want to give you all the contents as early as possible. So my name is Jitesh Kumar. Now I start limit. तो हम सबसे पहले हम क्या लिमिट है इसको हम प्रॉपर पहले समझें, क्या लिमिट होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कब ये अनडिफाइंड होता है, कब ये डिफाइंड होता है, हाउ टू फाइंड. तो सबसे पहले मीनिंग इसकी क्या है, मीनिंग फर्स्ट, इसका मीनिंग क्या है इसको अंडरस्टैंड करना है. तो मीनिंग ऑफ टेंस टू, ओके सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्स टू. तो नंबर ए है आपका एक्स टेंड्स टू ए, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट. ओके यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम रीड करते हैं एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट. माइनस अगर लगा हुआ हो तो क्या बोलेंगे इसको, फ्रॉम लेफ्ट से. इसका मतलब हुआ मीन्स एक्स इज वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू ए, ठीक है. वेरी वेरी एक्स क्या है, वेरी वेरी क्लोज है ए के, बट हियर एक्स क्या है, लेस देन ए है. दिस इज रीड एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट. सबसे पहले इसको पढ़ने आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका जब स्टार्टिंग है तो सबसे पहले ये पढ़ने के लिए भी आना चाहिए. एक्स टेंड्स टू ए मीन्स ये जो सिंबल है इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है. इसका मतलब होता है कि ये एक्स क्या है कि वेरी वेरी क्लोज है ए के, बट यहाँ पे एक्स ए के इक्वल नहीं है. क्या है, एक्स जो होगा जब भी होगा तो ए से छोटा होगा. ओके जैसे एग्जाम्पल में आपको देखें, जैसे एक्स टेंड्स टू लिखा हुआ है टू फ्रॉम लेफ्ट, मीन्स एक्स बराबर मान लें आप 1.9, या इसी को आप कह सकते हैं 1.999, या वी कैन से ऑल्सो 1.999 एंड सो ऑन, बट नॉट एग्जैक्ट टू. इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे आप एक नंबर लाइन पे करना चाहें तो जैसे ये टू है तो ये हो गया 1.999, जितने भी जाएं फिर 1.99, अगेन फिर 1.9. तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस. फिर एक नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, तो आपको ये दिखाया हूँ. टू से लंबी है तो छोटा होगा ये. एक्स टेंड्स टू टू फ्रॉम लेफ्ट, इसको हम पढ़ेंगे एक्स टेंड्स टू टू फ्रॉम लेफ्ट, मीन्स एक्स जो होगा वो एग्जैक्ट टू नहीं होगा. टू से क्या होगा, या 1.9 हो, 1.99, 1. इस तरह से होता है एक्स टेंड्स टू ए का मतलब फ्रॉम लेफ्ट से. नाउ गाइज अब हम क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, नंबर बी लिखिए आप, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट हो जाएगा, सिर्फ वेरी वेरी क्लोज टू ए, बट यहाँ पर क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन होगा ए. दिस इज रीच एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम, अब हो जाएगा यहाँ पे क्या, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है. अब क्या हुआ, मीनिंग एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर ए कोई भी नंबर होगा कॉन्स्टेंट उसको प्लस अगर लिख देगा तो इसका मतलब होता है एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट से. अब वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए से एक्स, यहाँ पे जो ए वैल्यू, एक्स जो टेंड्स करेगा वैल्यू, वो क्या होगा, ए से प्लस की ओर जाएगा. ओके और यहाँ पे x जब भी होगा तो a से क्या होगा, ग्रेटर होगा. और इसको हम क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, वहाँ माइनस था तो लेफ्ट से पढ़े और यहाँ पे प्लस है तो राइट से पढ़ेंगे. जैसे वहीं यहीं पे x टेंड्स टू टू प्लस लिख दे, इसका मतलब होता है, इसका मीन्स हुआ कि x जो होगा ये क्या होगा, 2.1 या 2.01 लिख सकते हैं, या 2.001 मीन्स इस तरह से कि टू नहीं, टू से जब भी होगा तो एटलीस्ट कुछ बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होगा. ओके तो इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो टू 2.1 सपोज करें,
2.001, 2.01, अगेन 2.1, तो इस तरह से हम करेंगे रिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर सिंपल सिर्फ लिखा हुआ हो x टेंड्स टू a, इसका मतलब होता है मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, बट x इज नॉट इक्वल्स टू a। दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a। ओके, अगर सिर्फ सिंपली लिखा हुआ हो x टेंड्स टू a और प्लस और माइनस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब होता है कि वेरी वेरी क्लोज है टू a का, बट वो x a के इक्वल नहीं है, या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। इसको भी x टेंड्स टू a सिर्फ सिंपल पढ़ेंगे। ओके, अगर माइनस रहेगा तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, अगर प्लस लिखा हुआ रहे तो x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट पढ़ेंगे। ओके, नाउ हम सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या लिमिट का होता है। हाँ, तो अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का क्या होता है। तो आप इसे देखिए, सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन आपको उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो उसकी नॉलेज है, आपको सब वो आपके पास मेमोरी में रहना चाहिए, तब आप लिमिट को प्ले कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लिमिट बनेगा नहीं। और फिर बोलता है क्या स्टूडेंट कि लिमिट कैलकुलस तो बहुत हार्ड है। सर, कैलकुलस हार्ड नहीं है, आपको उसकी प्रॉपर्टी, एवरी प्रॉपर्टी को याद रखना है, क्या उसको डिफाइंड होने का कंडीशन है, क्या डिफाइंड होने का कंडीशन नहीं है। तो ये जब आपके पास रहेगा ये स्टोर, तो आपको फिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फर्स्ट है कि कोई इन्फिनिटी है, उसमें प्लस माइनस एक्स किया जाएगा कोई भी नंबर को, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। और यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स करता है वो रियल नंबर होता है। ओके, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं। ओके, और ये एक्स कोई नंबर है जो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को। आर क्या है? रियल नंबर है, इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, इन्फिनिटी में क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस एक्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कहने का मतलब हुआ कि अनंत होता है, और कोई भी अनंत में कोई स्मॉल अगर क्वांटिटी को ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसको हम अनंत ही मान लेते हैं। ओके, जैसे अब सी में क्या करें, आप वन ग्लास वाटर को क्या करें, उससे बाहर निकाल लें और फिर या तो डाल दें, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखता है। तो इसी तरह यहाँ भी है कि इन्फिनिटी एक तरह से सी है, ठीक है, उसमें कुछ भी क्वांटिटी नंबर को ऐड कर देने से या सब्ट्रैक्ट कर देने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल आपका मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी में माइनस 100 कर दिए, अगेन फिर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। या इन्फिनिटी में प्लस 2 कर दिए, अगेन फिर भी इन्फिनिटी होगा। सेकेंड केस बी नंबर बोलता है कि माइनस इन्फिनिटी में प्लस माइनस एक्स कर देने से भी माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी। ओके, सी नंबर बोला जाता है कि इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी करने पे, ऐसा ना लिखें कि 2 इन्फिनिटी हो गया, 2 इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी करने से भी तो इन्फिनिटी ही रहेगा वो। ओके, नेक्स्ट नंबर डी बोलता है कि इन्फिनिटी पर पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए तो वैल्यू इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, नेक्स्ट ई नंबर, इन्फिनिटी अगर इनटू इन्फिनिटी किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर नहीं आप करेंगे, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सपोज करें ये ई हो गया एफ नंबर, कि इन्फिनिटी में अगर किसी माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, या जी नंबर, माइनस इन्फिनिटी में अगर प्लस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट एच नंबर, अगर माइनस इन्फिनिटी में अगेन फिर माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगा इसका। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अभी जल्दीबाजी ना करें कि हैस्टी में जल्दी सर कीजिए, ऐसा नहीं। आप सबसे पहले जो इसकी बेसिक है मैं उसे बताऊँगा, आप इसे अगर बढ़िया से अगर कर लेंगे उसके बाद अगर बनाने जाएंगे कोई भी क्वेश्चन आपसे ये नहीं होगा कि नहीं बनेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसे पेशेंस रख के इसको मेमोराइज करें और इसको गो थ्रू हो। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई नंबर है उसको इन्फिनिटी से डिवीजन कर रहे हैं,
तो इसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। वेयर एक्स बिलोंग्स क्या करना चाहिए, कोई रियल नंबर होना चाहिए एक्स, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। नंबर जे कहता है प्रॉपर्टी कि कोई भी एक्स है माइनस इन्फिनिटी से अगर डिवीजन होगा तो भी इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल। नेक्स्ट कहता है के नंबर कि अगर कोई कॉन्स्टेंट है उसमें क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये देख लें। इन्फिनिटी होगा व्हेन व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ओके। जीरो होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ओके। नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी होगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो। देखिए अगर आप जीरो से बड़ा कोई भी नंबर से अगर इन्फिनिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा वैल्यू, अगर जीरो से छोटा करेंगे तो माइनस आएगा, अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो वैल्यू जीरो हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट एल नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इन्फिनिटी है उस पर पावर हम कोई नंबर एक्स कर रहे हैं, ओके, कोई एक्स रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो इन्फिनिटी होगा व्हेन व्हेन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। वन होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, ओके। नेक्स्ट कहता है जीरो हो जाएगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो। अब देखिए अगर आपका ये लेस देन जीरो होता है एक्स यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, सपोज करें कि माइनस टू हो गया तो माइनस ऊपर पावर रहने पे क्या होता है, बटे में चला जाता है, बाय में, तो जब बाय में जाता है फिर ये कंडीशन चलाएगा और जब ये कंडीशन होगा तो एक्स बटे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो और इन्फिनिटी नीचे गए जाने के बाद वो क्या होगा, जीरो वैल्यू देगा, तो इसलिए यहाँ जीरो हो रहा है। और एक्स अगर वन होता है तो कोई भी पावर, सॉरी एक्स अगर जीरो होगा तो कोई भी किसी का भी पावर अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, वन होता है, जो आप 8 और 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर एक्स जीरो से बड़ा हो रहा है, कोई रियल नंबर जीरो से बड़ा हो रहा है तो वो इन्फिनिटी पे पावर करने पे वो इन्फिनिटी ही वैल्यू देगा, ओके। नेक्स्ट एम नंबर कहता है कि अगर कोई कोई नंबर है उस पर पावर इन्फिनिटी में कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन। वन होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन होगा। जीरो होगा व्हेन एक्स लेस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जीरो लेस देन एक्स और लेस देन वन होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लिमिट में बाद में यूज होगा इसका, जब हम क्वेश्चन डील करेंगे। तो जब कोई भी नंबर पे पावर इन्फिनिटी किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन होगा, ओके। वन होगा जब एक्स इक्वल्स टू वन, अगर किसी भी पावर का, अगर वन का कोई भी पावर कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज वन ही आएगा, ओके। और अगर जीरो से, जीरो के इक्वल हो एक्स, जीरो हो या वन के लेस हो, वन से लेस हो, तो जीरो और वन के बीच हो या वन के बराबर भी हो तो भी किसी भी नंबर के पावर इन्फिनिटी करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, 1/2 के पावर अगर इन्फिनिटी करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगा, ओके। क्यों इसको बोल रहे हैं तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं, वन का इन्फिनिटी कर दें तो क्या हो जाएगा, वन आएगा, और टू का इन्फिनिटी करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी आएगा। तो 1/∞ क्या होता है, आपको पहले भी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि एक्स बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। एक्स क्या है, कोई रियल नंबर है, यहाँ वन क्या आया, रियल नंबर आया। तो आप इससे भी रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी हम बताए उसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे क्या है, 1/3 का इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो किसका वैल्यू क्या होगा, आपका जीरो होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, 0 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो होता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, 2 पे पावर अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स क्या है, वन से ग्रेटर है, और जब वन से ग्रेटर होता है तो टू का टू हो गया, वन से ग्रेटर है तो टू पावर इन्फिनिटी क्या देगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। और आपको बताया कि वन के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इसकी वैल्यू वन होता है, क्योंकि किसी का भी वन का अगर कोई भी पावर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज वन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आपको, इन्फिनिटी पे पावर अगर -3 कर दिया जाए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्स क्या है, जीरो से लेस है, ओके, तो -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, जाके नीचे चला जाएगा, 1/α इन्फिनिटी पावर 3, और कोई भी पावर इन्फिनिटी का रहेगा तो इन्फिनिटी देगा, और 1/∞ क्या देता है, ये वैल्यू
जीरो देगा आपका। और नेक्स्ट अगर कोई स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल है, इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर अगर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी पर पावर कितना हो गया, आप कर लें 1/2। आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पर पावर अगर 1/2 होता है तो इसका वैल्यू इसका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा आपका। ओके, नेक्स्ट इन्फिनिटी बाय 4 रहेगा, क्या होगी इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी होगा। ओके, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 इंटू इन्फिनिटी, और आपको बताए थे कि x इंटू इन्फिनिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पावर अगर जीरो कर दिया जाए, एग्जाम्पल इन्फिनिटी पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आपको बताए थे कि कोई किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो रहेगा उसका, तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा आपका। और नेक्स्ट जीरो इंटू अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपका, 0 होगा। और अगेन इन्फिनिटी बाय -3 करेंगे तो क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ये सब आपका एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसा होता है लिमिट का, जिस पे कि आप उस लिमिट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा तो वो पहचान तो आपको होना चाहिए ना, कि कैसे आप पहचान जाएंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम कैसे डिटर्मिनेट फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख लें पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर, जैसे 0/0 हो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या इन्फिनिटी का फॉर्म होगा तो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। नेक्स्ट 0 × ∞ होगा तो भी इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, या ∞ - ∞ हो तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे, या 1/∞ हो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या इन्फिनिटी पर पावर 0 हो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। एंड 0 पे पावर अगर 0 हो इससे भी हम लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। हियर 0 and 1 आर नॉट एग्जैक्ट, मतलब ये 0 और 1 जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, या तो इससे लेस होगा या तो इससे ग्रेटर होगा। ओके, 0 से लेस या 0 से ग्रेटर, या 1 से लेस या 1 से ग्रेटर, ये एग्जैक्ट नहीं है कि 0 और 1 है। ओके, इनफैक्ट 0 मीन्स क्या होता है, 0 मीन्स टेंड्स टू 0। ओके, हियर क्या पढ़ेंगे हम इसको, हियर इसको हम पढ़ेंगे टेंड्स टू 0। 0 मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम 0 लिखे हैं इसका मतलब होता है टेंड्स टू 0। एंड 1 मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं इसमें, यहाँ पे 1 जो लिखे हैं इसका मतलब होता है टेंड्स टू 1, नॉट एग्जैक्ट 1। ओके, नाउ अब कुछ नोट्स है जो आप देखें क्या होता है। जैसे 0 by 10 to 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि 0 ये एग्जैक्ट 0 है, बट ये टेंस टू 0 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ 0 by, अगर मान लीजिए कि ये 0 से थोड़ा सा ही छोटा है तो क्या हो जाएगा, -0.99 भी हो सकता है, या 0.1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो 0 अगर एग्जैक्ट 0 यहाँ पर नहीं है तो ये इन्फिनिटी, इसको हम क्या करेंगे, 0 लिख सकते हैं। ओके, लेकिन इसी केस में अगर टेंस टू 0 हो जाए ऊपर में और नीचे में 0 आ जाए तो आप इसे क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है आपका, इस फॉर्म में आएगा तो आप लिमिट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट सी कहता है कि 0 by 0 हो ये भी आपका क्या है, इज अनडिफाइंड है, ये भी लिमिट में क्या है, डिफाइंड नहीं है, आप 0 इसको नहीं लिख सकते, 0 by 0 अनडिफाइंड है, जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट कहता है डी, अगर टेंस टू 0 by 10 to 0 आ जाए तो इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये,
ओके, ये क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है आपका, ये डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। नाउ फ्रेंड्स टेक सम एग्जांपल, जैसे x टेंड्स टू जीरो है, इसके पावर अगर जीरो होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, वन, क्योंकि x टेंड्स टू अगर जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, या तो जीरो से थोड़ा बड़ा होगा या जीरो से थोड़ा छोटा होगा, तो इस पे पावर जीरो रहेगा तो क्या होगा वैल्यू, वन होगा f। दूसरा, अगर जीरो पे पावर टेंड्स टू अगर जीरो हो जाए प्लस में फ्रॉम राइट से, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगा आपका, जीरो ही आएगा। ओके, नेक्स्ट केस, जीरो पे पावर अगर टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट से हो, अगेन फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है, टेंड्स टू जीरो है, निगेटिव में है ना, ये जब भी आएगा तो जीरो से छोटा आएगा, तो जब जीरो से छोटा आएगा सपोज करें तो वो निगेटिव में चला जाएगा, और जब निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, वन बाय में होगा, और जब वन में बाय में चला जाएगा तो जीरो क्या हो जाएगा, नीचे, और फिर जीरो पे पावर कोई भी पॉजिटिव होगा तो जीरो होगा, और वन बाय जीरो अगेन फिर क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे समझें, उसको रिलेट करें पीछे वाले जो भी प्रॉपर्टी है। ओके, जीरो बाय जीरो फॉर्म आपको बता चुके हैं कि ये क्या है, अनडिफाइंड है, इसको आप डिफाइंड, ये मैथ के टर्म में ये डिफाइंड नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू होगा। आई नंबर, जैसे कोई भी वैल्यू है टेंड्स टू जीरो है, इसके पावर भी टेंड्स टू जीरो है, तो इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन डिटर्मिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं, मतलब ये अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं अगर इसके फॉर्म को चेंज कर दें तो, लेकिन ये अगर इस फॉर्म में आ गया तो उसको हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे मैथ के टर्म में। ओके, नाउ तो मैं देखिए अब एक प्रॉपर्टी चौथा नंबर में बता रहा हूँ, लिमिट किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे हम निकालेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ओके, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा एक्स में या वाई में, तो उसका कैसे हम निकालेंगे, जैसे इम्प्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं, मान लिया जाए कि एल, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट इफ एक्स टेंड्स टू ए देन f ऑफ x इक्वल्स टू टेंड्स टू क्या करेगा, l टेंड करेगा, जब x टेंड्स टू a करेगा तो f ऑफ टेंड्स टू l, या इसी को सिंपली हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, l होगा आपका। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या करें, f ऑफ a लिख लें, f ऑफ x नहीं, जब x टेंड्स टू a करेगा तो f ऑफ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, f ऑफ a क्या आ जाएगा, या तो देखिए टेंस एल का मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेट ये एल को टेंड कर रहा है, मीन्स अगर टू को टेंस करता है तो इसका मतलब क्या है, टू से थोड़ा छोटा या बड़ा, मतलब अप्रोक्सीमेट टू के ही रहता है, मतलब नियर बाय टू के इक्वल होता है। उसी तरह से यहाँ इसको आप एफ टेंस टू एल लिखिए, या और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू आप इसकी वैल्यू एल लिख सकते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एच लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एक्स, इसको हम पढ़ेंगे एक्स टेंड्स टू एज एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल। ओके, यहाँ पे क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, मीन्स इसका मतलब होता है कि इफ एक्स टेंड्स टू ए देन एफ ऑफ ए टेंड्स टू एल करता है। ओके, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एल हम लिखते हैं। ओके, दिस इज रीड एच, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज रीड एच लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल। ओके, इक्वल टू एल, जैसे अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस पर नाउ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, इवेल्युएट इसकी, फाइंड करें वैल्यू, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू, एक दिया हुआ आपको फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू, और ये लिमिट कैसे वेरी कर रहा है एक्स टेंड्स टू ए, एक स्थान पे क्या है यहाँ पे टू है आपका। ओके,
अब देखिए आपको तो गिवन है कि लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू। अब देखिए आप यहाँ पे चेक अभी सोचेंगे कि x इक्वल्स टू टू यहाँ पुट कर देंगे x के स्थान पे जो भी है और वैल्यू निकाल लेंगे, तो बट आपका यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x डायरेक्ट टू पुट करेंगे तो ये फोर माइनस फोर तो जीरो हो जाएगा, और अगेन टू रखेंगे तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो बाय जीरो क्या होता है ये भी अनडिफाइंड है आपका, तो यहाँ पे आप जीरो नहीं पुट कर सकते डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसके लिए, लिमिट एक्स टेंस टू टू इसको क्या करें ब्रेक करते हैं एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, अब बटे में एक्स माइनस टू है तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब क्या करें आप एक्स टेंस टू टू अब क्या बचा आपके पास एक्स प्लस टू बचा, अब डायरेक्ट आप एक्स क्या करें यहाँ पे टेंस टू है तो अप्रोक्सीमेट टू का क्या है कोई भी टू मतलब रख सकते हैं आप यहाँ पे, जब टू रखेंगे तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू फोर। तो इस फंक्शन जो लिमिट दिया हुआ है आपका इस लिमिट की वैल्यू क्या आई फोर आंसर होगा इसका। ओके तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊँगा एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, और अगेन आपको मैं क्वेश्चन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊँगा। तो आप इसको जितने भी आज मैं बताया हूँ इसे आप प्रॉपर पहले रिवीजन करें और इसका प्रैक्टिस अपने से एग्जांपल जितना भी दिया हूँ उस एग्जांपल को भी करें टैकल, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करेंगे मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आपको जितने होगा इस पर आप सोचें और इस पर ये नहीं करें कि ये कैसे हो गया, ये धीरे धीरे आपको सभी क्लियर होते जाएंगे। ओके सो कीप पेशेंस एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।